मैं हूं नफीसा खान, स्वागत करती हूं आपका जीवन कोश में। दोस्तों, अनार का सेवन सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें मौजूद फाइबर, फॉलिक एसिड और विटामिन्स कई गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, डायबिटीज, दिल के रोग आदि के खतरे को कम करने में मददगार होते हैं। इसके अलावा अनार में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बढ़ती उम्र में त्वचा को पोषण देता है, साथ ही झुर्रियों और छाइयों जैसी समस्याओं से भी आपको बचाता है। अनार के रस के साथ आप उसके बीजों को त्वचा की स्क्रबिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अनार के रस का इस्तेमाल कर आप त्वचा संबंधी कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले बात करेंगे क्लिंजर की। जी हाँ, प्रदूषण और डेड स्किन आपकी त्वचा के लिए नुकसानदायक होती है। ऐसे में अनार के रस को आप क्लिंजर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए करना आपको यह है कि अनार का रस लें, उसे रुई की मदद से पूरे चेहरे पर अच्छी तरह से लगा लें। तो इस तरह आप क्लिंजर की तरह अनार के रस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि दमकती त्वचा पाने के लिए आप किस तरह से अनार के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, ये हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसकी त्वचा हेल्दी हो, दमकती हुई हो, और इसके लिए औरतें कई तरह के घरेलू उपाय भी अपनाती हैं। ऐसे में आपको अनार का रस एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अनार के रस में कच्चे पपीते का रस, अंगूर के बीज का तेल अच्छी तरह से मिलाकर एक पेस्ट बनाकर अगर आप पूरी स्किन पर लगाएं, पूरे चेहरे पर लगाएं और करीब एक दो घंटे के लिए यूं ही छोड़ दें, सूख जाने के बाद ठंडे पानी से साफ कर लें। अगर आप हर हफ्ते कम से कम 3-4 बार ऐसा करें तो आप बहुत जल्द फर्क पाएंगे अपनी स्किन में। आप देखेंगे कि आपकी त्वचा किस तरह दमकती चमकती नजर आएगी। बात करेंगे अब स्क्रबर की। जी हाँ, अनार का बीज भी त्वचा के लिए काफी फायदेमंद है। इसे आप स्क्रबर के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे त्वचा के ब्लैक हेड्स भी हट जाएंगे। इसके लिए आप अनार के रस के साथ उसके बीज को अपनी त्वचा पर लगाएं। इस दौरान बहुत हल्के हल्के हाथों से मसाज करते रहें और स्क्रबिंग करने के बाद आप ठंडे पानी से चेहरा धो लें। आपकी स्किन पर आपको खुद ही बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आएगा। अब बात करेंगे कि टोनर के रूप में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अनार का जूस। जी हाँ, स्क्रबिंग करने के बाद पोर्स जब खुल जाते हैं तो ऐसे में टोनर की ज़रूरत पड़ती है। अनार का रस गुणों का भंडार है, ऐसे में इसका इस्तेमाल आप टोनर के रूप में कर सकते हैं। ये त्वचा के पोर्स को बंद कर आपके चेहरे को खूबसूरत बनाने में मदद करता है। अब बात करेंगे कि किस तरह अनार का रस, अनार का जूस आपके दाग धब्बों को कम करने में या दूर करने में मदद करता है। जी हाँ, अगर आप चेहरे पर दाग धब्बे से परेशान हैं तो आपको अनार का रस ज़रूर लगाना चाहिए। ये महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट से काफ़ी बेहतर होता है। इसे आप ब्लीच की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बात करेंगे अब कि मुलायम त्वचा के लिए किस तरह आप अनार के रस का फेस पैक बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से त्वचा रूखी हो जाती है, बेजान सी हो जाती है। त्वचा को मुलायम करने के लिए मुल्तानी मिट्टी में अगर आप अनार के रस को मिलाकर उसका फेस पैक तैयार करें और इसे पूरे चेहरे पर लगा लें और 15-20 मिनट के बाद जब आपका फेस पैक अच्छी तरह से सूख जाए तो ठंडे पानी से अपना चेहरा धो लें। ऐसा करने से आपकी त्वचा मुलायम होती है। बात करें अगर त्वचा की रंगत निखारने की तो इस काम के लिए भी अनार का जूस काफ़ी फायदेमंद है। जी हाँ, गर्मियों में अक्सर टैनिंग की वजह से कई लोगों का रंग काफ़ी धूमिल पड़ जाता है। ऐसे में अपनी त्वचा की रंगत को अगर आप निखारना चाहते हैं तो अनार के रस का प्रयोग ज़रूर करें। ये त्वचा के दाग धब्बों को हटाकर रंगत को निखारने में मदद करता है।
अब ये तो हमने आपको बातें बता दी कि किस तरह बाहरी खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप अनार के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके फ़ायदे उठा सकते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन में एक बेहतरीन सा निखार आए, आप बेहद खूबसूरत नज़र आए, आपकी स्किन काफ़ी चमकती दमकती नज़र आए, तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप सिर्फ अनार के जूस को लगाएं ही नहीं बल्कि एक ग्लास अनार के जूस का सेवन रोज़ाना करें। जी हाँ, अगर आप चाहें तो जूस ना सही पर एक अनार आप ज़रूर खाएं, दवा समझ के ही खाएं। ये ना ही सिर्फ आपको खूबसूरत बनाता है बल्कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपको वक्त से पहले बूढ़ा होने से भी बचाते हैं। इसके अलावा भी कई सारे फायदे होते हैं अनार को खाने के। इस बारे में हम कभी फिर से किसी और वीडियो में बातें करेंगे, लेकिन अनार को आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें और फ़ायदे उठाएं इस फ़ायदेमंद फल के। इसी के साथ ही दीजिए हमें इजाज़त, पर बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ख़ास जानकारी के साथ। फ़िलहाल तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके काम आया हो। तो दीजिए हमें इजाज़त, फ़िलहाल जीवन कोश में अभी के लिए बस इतना ही।